गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। करेंगे शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन, राइट, कि हमारे बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए। देखो, अगर हम थोड़ा सा समझें तो आखिर ये नौबत आती क्यों है कि हमें शट डाउन करना पड़े या कंटिन्यू रखना पड़े। देखो, हर बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाता रहे, कई बार उसको लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। तो कुछ सिचुएशन आपके सामने हैं, वो आप एक बार फटाफट देखें कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके बिज़नेस को लॉस हो सकता है, और तब आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि यार अब क्या करना चाहिए, शट डाउन करें या कंटिन्यू रखें। फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉल इन डिमांड। मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, नया फैशन आ गया, राइट, और कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे उसकी डिमांड हो गई बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल गिर गई। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, दिमाग ख़राब कि अरे अब क्या करें, शट डाउन करें या कंटिन्यू रखें। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। भाई, आपकी जो फाइनेंशियल पोजिशन है बड़ी ख़राब हो गई, राइट, अगर आप किसी से मांगने भी जाते हो उधार वगैरह में, क्रेडिट वगैरह पर, वो भी आपको नहीं मिलता, बैंकिंग वगैरह कहीं से भी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, फिर वही प्रॉब्लम अराइज कि शट डाउन करें या कंटिन्यू करें। थर्ड नंबर पर आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी पर अभी तक आप बेस थे उसमें हो गया चेंज, अभी आपकी वो नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो आप अफोर्ड कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप पहले वाले एग्जिस्टिंग बिजनेस को शट डाउन करोगे या कंटिन्यू रखोगे, फिर क्वेश्चन अराइज। फोर्थ नंबर पर आता है हाई रेट ऑफ टैक्सेस। आपके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा बढ़ गया, अब टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होएगी, कॉस्ट इंक्रीज होएगी तो आप कस्टमर में से निकालना चाहोगे, प्राइसेस को बढ़ा दोगे, प्राइसेस को बढ़ाओगे तो डिमांड ऑटोमेटिक नीचे जाएगी, डिमांड नीचे जाएगी तो आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा, फिर वही सिचुएशन की बिजनेस को बंद किया जाए या फिर कंटिन्यू रखा जाए। फिफ्थ नंबर पर आता है मिसमैनेजमेंट। में ये कहा गया है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए, और अगर वहाँ पर मिसमैनेजमेंट आ जाता है तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, इसलिए फिर वही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि बिज़नेस को कंटिन्यू रखा जाए या फिर शट डाउन किया जाए। नीचे वाले पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि बिज़नेस जो है वो कंटिन्यूसली जब लॉस को सफ़र करता है तो ऐसे सिचुएशन में सबका मतलब ध्यान एकदम से ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बिज़नेस को बंद किया जाए या फिर कंटिन्यू रखा जाए, और उसको समझने के लिए आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस समझने पड़ेंगे, उनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो लॉसेस आपके सामने आएंगे और जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा उसको, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कि देखो, जब आपका बिज़नेस जो है वो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूड या क्लोज डाउन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्रॉड फॉर बिज़नेस लॉसेस और जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है उसको आप कैसे करते हो, जो आपके बिज़नेस लॉसेस होते हैं ना तो उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और PGBP की प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में उनको सेट ऑफ कर सकते हो। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या करोगे, उनको भी आप सेट ऑफ कर सकते हो PGBP की इनकम से, बट याद रखना जब तक वो पूरा का पूरा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो जाता तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। मेन आप इसकी टैक्स प्लानिंग एक बार देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ अ पर्सन, अगर एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा बिजनेस चला रहा है और उस बिज़नेस में, किसी एक बिज़नेस में उसको लॉस हो जाता है, लॉस मेकिंग बिजनेस शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, और उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करते, ठीक है, उसको हम ऑपरेट करके ही रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉसेस हुए हैं और जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका हम क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू स्टाफ। देखो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू स्टाफ का मीनिंग क्या होता है कि जब जो स्टाफ है, ठीक है, उसको आप हटा रहे हो क्योंकि भाई आप अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो क्या करोगे, स्टाफ को तो हटाओगे, तो अब स्टाफ की तो कोई गलती नहीं थी ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टाफ को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना होगा। तो अब जो आप उनको दे रहे हो, इफ़ द बिजनेस इज़ क्लोज, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे किया है वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा, वुड बी डिसअलाउड
एज नॉट इनकर्ड फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, क्योंकि ये आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को चलाने के टाइम का खर्चा नहीं है। बंद होने के बाद रिट्रेंचमेंट हुई है, रिट्रेंचमेंट करी है आपने स्टाफ की, और इसलिए आप कंपनसेशन पे कर रहे हो, तो ये वो कंपनसेशन है, इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स एंड बैड डेट्स इन रिलेशन टू डिसकंटिन्यूड बिजनेस को मिल जाएगी। थर्ड नंबर पर ये कह रहा है, इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी इट मे बी टेकन केयर डेट देयर मे नॉट बी चेंज इन द शेयर होल्डिंग एक्सेडिंग 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग। 49% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है, ठीक है, अगर वो हो जाता है तो आपको ये देखना है कि वो जो ट्रांसफ़र और जो ट्रांसफरी है वो आपस में अगर रिलेटिव हैं तो हम ऐसा कर देंगे, कुछ पार्ट जो है वो गिफ्ट के रूप में हम ट्रांसफ़र दिखा देंगे। मतलब ये नहीं दिखाएंगे कि 49% से ज़्यादा चेंज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो सेट ऑफ वाली लॉसेस वाली कंडीशंस हैं वो कॉम्प्लाई हो जाएंगी। अगर SSC जो है वो कंपनी है तो वो अमलगमेट या डीमर्ज हो सकता है दूसरी कंपनी के साथ आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ले डाउन अंडर सेक्शन 72A। ये बस नॉर्मली एक बार देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा सा एक बार जितना मैंने बताया ना सिर्फ उतना पढ़ लो, इट्स इनफ नाउ। ओके।